अभिभावक शिक्षक अभ्यर्थियों और कोई नौजवान अभ्यर्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, सरकार के मांगे गए आवेदन पर नौकरी के लिए अप्लाई करता है और जब अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर सरकार के समक्ष जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, क्या है कि लोकतांत्रिक तरीके से जो भी प्रोटेस्ट होता है, सब आंदोलन पर उनका अधिकार रहता है कि सरकार की कमियों को, विभाग और आयोग की कमियों को, अगर गलती हुई है तो उस पर सरकार संज्ञान ले, आयोग संज्ञान ले, परंतु उल्टे उनसे बातचीत करने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया जाना, मुझे लगता है कि इस सरकार की मानसिकता है। और लगातार आप देख रहे होंगे, कल जिस प्रकार से जो शिक्षक अभ्यर्थी थे जिन्होंने लगभग 5-6 वर्षों से अध्यापन का काम कराया, विभिन्न स्कूलों में पढ़ा रहे थे, और एकाएक सरकार की तरफ से फरमान आता है कि उनकी नौकरी जो है छीन ली जाएगी, यानी 1 अप्रैल से जो है वो सेवा में नहीं रहेंगे, उनको सेवा से बाहर किया जाता है। और जो शिक्षा विभाग की तरफ से इस तरह का तुगलकी फरमान आया है, और कल जो प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार तक ले जाने का, पहुंचाने का एक माध्यम था, इस पर लाठीचार्ज हुआ और इस तरह की चीजें, तो ये आज कोई आम बात तो नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिकता, पहली बात की जब आप देखते होंगे, इसके पहले कई आंदोलन हुए हैं, थोड़ा सा आंदोलन का अगर हम जिक्र करेंगे तो परसेंटाइल के लिए आंदोलन हुआ था बीपीएससी द्वारा, उसके लिए प्रोटेस्ट जब हुआ वहां भी लाठीचार्ज हुआ। उसके पहले शिक्षक अभ्यर्थी, कोई महीना ऐसा दिन बाकी नहीं रहा है जब शिक्षक अभ्यर्थियों पर प्रोटेस्ट के दौरान लाठीचार्ज नहीं हुआ हो, तो सारी चीजें बिल्कुल, और यहाँ तक कि कई विवादित चीजें भी सामने आई है सरकार के तरफ से, कई तरह के वक्तव्य दिए गए, चाहे सीटेट अपियरिंग की मांग को लेकर प्रोटेस्ट हुआ वहां लाठीचार्ज हुआ, एसटीटी अपियरिंग को लेकर प्रोटेस्ट हुआ वहां लाठीचार्ज हुआ, बीजेपी कार्यालय में गल सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था वहां भी लाठीचार्ज, धक्का मुक्की, और जितने भी चीजें सामने आ रही है ये सरकार के या सरकार के उन पदाधिकारियों का जिनका मन मनोबल इतना हाई लेवल का हो गया है कि वो किसी से ना बात करना चाहते हैं, न किसी की आवेदन को सुनना चाहते हैं। यहाँ तक कि बीपीएससी ने जो कारनामा किया, बीपीएससी में सेकेंड फेज की बहाली, प्रथम फेज की बहाली पर जो गृहान सेल बनाए गए थे और गृहान सेल में आवेदन मांगे गए, तो जाहिर सी बात है कि बीपीएससी की तरफ से जो भी आवेदन मांगे गए थे लोगों ने आवेदन किया, और आवेदन का जो तर्क था ये कि आप एफिडेविट के साथ देंगे कि आपके तरफ से जो भी, तो आवेदन मांगा गया, आवेदन दिया गया, और उसके बाद लगभग 650 परीक्षार्थियों को रोका गया, प्रतिबंधित किया गया कि आपने मनगढ़ंत और गलत तथ्य लगाकर आरोप लगाए हैं, इसलिए आपको डिवार किया जाता है, आपको अगली परीक्षा में बैठने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। और कई चीजें जब लोकतांत्रिक तरीके से लोग प्रेस में बोल रहे थे, मीडिया में बोल रहे थे, तो मीडिया बाइट के आधार पर उनका रोल नंबर, रोल क्रमांक आदि देकर उनको प्रतिबंधित किया गया था। तो इस तरह की चीजें यहाँ हुई है, और आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है आप समझ लीजिएगा कि बिहार सरकार की उन मानसिकता पर, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है और उनको बहुत कुछ पता भी नहीं चलता है, अपने अधिकारियों से, अपने कर्मचारियों से जिस प्रकार से बातें करते हैं कि क्या कुछ ऐसा हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि इस तरह की चीजें, आप इस बात को बिल्कुल आप भूले नहीं कि पिछले कई सालों से जिस प्रकार से सरकार और सरकार के अधिकारी काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल तानाशाही रवैया है, जैसे लगता है कि कानून है ही नहीं, छात्र अभ्यर्थियों की समस्या का सुनने का कोई मतलब है ही नहीं, और लगातार इस तरह की चीजें आपके समझ आएगी। अब जो बातें हैं कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर धोखा हुआ, वहां प्रोटेस्ट हुआ तो वहां लाठीचार्ज, अभी कई चीजों पर आपने बात किया, तो अभी तो सीधे 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 मामला तीसरे फेज की बहाली पर जो भंडाफोड़ हुआ उसको लेकर भी प्रोटेस्ट की तैयारी थी, हम लोग 21 तारीख को बीपीएससी का घेराव करेंगे, लेकिन उसके पहले ही जो है परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब जो बातें ये हैं कि क्या उन अधिकारियों पर, उन सारे अधिकारियों पर जिसने लाठीचार्ज का जिम्मा लिया है, जिसने छात्र अभ्यर्थियों के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया है, क्या कभी उन पर कार्रवाई होती है, क्या सरकार के तरफ से कभी इस तरह की चीजें सामने आई है? तो आने वाले समय में जिस तरह की चीजें, जिस तरह की जो प्रदर्शन हो रहा है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उस पर लाठीचार्ज दबाया, इसके पहले आपको याद होगा कि आरआरबी एनटीपीसी प्रोटेस्ट को लेकर कई जगह से प्रोटेस्ट हुए, कई पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई, पूरे पटना में धारा 140 लगा था, और मोदी सरकार के तरफ से इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट आया था कि ये जो आरआरबी एनटीपीसी का प्रोटेस्ट है या पटना में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इससे देश को एक खतरा है, नौकरी आप निकालेंगे नहीं, नौकरी निकालेंगे तो सीट बेच देंगे, पेपर लीक करा देंगे। कोई ऐसा राज्य बाकी है जहां प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है? कोई ऐसी परीक्षा बाकी है जहां से पेपर लीक नहीं हुआ? देश के तमाम राज्यों की एजेंसी परीक्षा कंडक्ट कराने वाली सबने पेपर लीक कराया, अभी जेपीएससी का पेपर लीक हो गया, उसके पहले उत्तर प्रदेश के 2 परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया। अगर पूरा आकलन करेंगे देश के तमाम राज्यों का, तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, कोई ऐसी परीक्षा बाकी नहीं है जहां से पेपर लीक नहीं होता है, और पेपर लीक जब होता है तो निश्चित रूप से छात्र आंदोलन के लिए उतरेंगे, और जब उतरेंगे तो लाठीचार्ज हो जाता है। तो इस तरह की चीजें देश के तमाम राज्यों की सरकार कर रही है,
वो छात्रों अभ्यर्थियों की बात सुनना नहीं चाहती है, वो बस अपने मनमाने तरीके से जो चीज वो उनके मन में है उसको लागू करना चाहती है, करवाना चाहती है। और उसमें अधिकारियों की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकारी वही करते हैं जो सरकार की मंशा होती है। और सीधे सीधे सवाल है कि क्या सरकार उन सब चीजों पर दबाना चाहती है जिन पर उनका अधिकार है? क्या सरकार उनसे बात नहीं करें, न कोई छात्र अभ्यर्थी से, न शिक्षक नेता से, यहाँ तक कि कई शिक्षक नेताओं और छात्र नेताओं पर कार्रवाई की बात हुई है और हो भी रही है, आप समझ लीजिए इस तरह से। तो फर्जीवाड़ा करे आप, क्वेश्चन बेचे आप, पैसा लेकर लोगों को बहाल करे आप, और गलत तरीके से जो चीजें हो रही है उसका पूरा भार लें आप, क्रेडिट लें आप, तो आप बताइए ना भाई कि उस पर कब आप कार्रवाई करेंगे? जिस प्रकार से चीजें सामने आ रही है उस पर कब कार्रवाई करेंगे? सीटेट अपीयरिंग से लेकर TRE 1 से लेकर TRE 2 तक बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, सीटेट फेल, STT फेल और कई फर्जी प्रमाण पत्र, यहाँ डोमिसाइल गलत बनाकर, विकलांगता प्रमाण गलत बनाकर, उस सब लोगों का सबका हक आपने क्यों मारा? उस पर तो आप कार्रवाई नहीं कर पाया, उल्टे छात्रों पर, निहत्ते छात्रों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इन सारे बातों पर आपको जवाब देना होगा। निश्चित रूप से बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको पता नहीं रहता है कई चीज, उनसे आग्रह है कि आप इस चीज को पता कीजिए कि क्या छात्र अभ्यर्थियों का लड़ाई क्या इस दिशा में आ गया है कि छात्र जब भी लड़े तो उन पर लाठीचार्ज करना या करवा देना है। ठीक है साथियों, बिल्कुल हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, लाठीचार्ज चाहे जितना भी हो, हम लोग का पीठ कंधा उतना ही मजबूत है, हम लोग लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इतना जरूर है पीछे नहीं हटना है, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए जब भी लड़ाई लड़ा जाए लड़ने के लिए हम लोग तैयार है साथियों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।